हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, सीए संकल्प कांस्टी हियर। आज आपके साथ मैं जो अभी वीडियो शेयर करने वाला हूं उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसका एक प्रैक्टिकल सम। सो वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। सो TQM फॉर ओल्ड एंड न्यू सिलेबस दोनों इक्वली वेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। सो अगर आप अपना प्रैक्टिस मैनुअल खोलोगे ओल्ड सिलेबस वालों, तो आपको TQM का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम मिलेगा। सेम टू सेम सम न्यू सिलेबस वालों, आपके बुक में भी TQM में है। सो अब जो मैं सम लेने वाला हूं, इट इज अ कॉम्बिनेशन, मतलब इन शॉर्ट ओल्ड एंड न्यू दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है एंड इक्वली इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। रीजन ये बनाने का, बिकॉज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है एंड कई बार स्टूडेंट्स ये TQM को इंटरप्रेट करने में गलती कर देते हैं। तो अगर आपने मई 18 का पेपर देखा होगा तो ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस दोनों में कॉस्ट ऑफ क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आपको आइडेंटिफाई करना था प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, याद आया है कि नहीं? सो इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर, ये आपको चीजें आइडेंटिफाई करनी थी। अब अपन जो सम करने वाले हैं उसमें कैसे ये इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर कैलकुलेट होता है एंड हाउ प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट इंट्रोड्यूस करने की वजह से कंपनी को फायदा हो सकता है, इसके बारे में अब अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो एज आई सेड, ओल्ड प्लस न्यू दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है, ठीक है? समझ में आ गया आपको? सो कहां पे है ये मैं बता देता हूं। एज आई सेड, न्यू सिलेबस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट, ओल्ड सिलेबस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट। सो न्यू सिलेबस में आपका जो मॉड्यूल है उसका पेज 2.7 में एक इलस्ट्रेशन है, दैट इज दिस सम TQM, सेम टू सेम हू बहू सम ओल्ड सिलेबस के PM प्रैक्टिस मैनुअल में है, पेज 1.57 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? सो दिस इज द क्वेश्चन दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, अपन जो अभी डिस्कस करने वाले हैं। एंड जैसा मैंने आपको कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज TQM से रिलेटेड एक थियोरिटिकल एस्पेक्ट अभी इंस्टीट्यूट ने पूछा था। सो अब चांसेस है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर टेस्ट किया जाए। प्लस अभी मैं जो सम करवाने वाला हूं वो एक बार अगर आपको समझ गया ना, तो उस बेसिस पे TQM के आने वाले जो सम्स है ना वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, वो भी आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। सो ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ फॉर हियर। अब आपको कंटिन्यूएशन में दिखेगा क्वेश्चन पेज 2.7 इलस्ट्रेशन फॉर न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस का पेज 1.7 क्वेश्चन नंबर 5। कीप सब्सक्राइबिंग सीए संकल्प कांसिया, थैंक यू सो मच। ओके देन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम्स ऑन TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है? सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आई होप थियोरेटिकली तुम लोग पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़े हो तो मैं तुम लोग को एक फटाफट टच बेस दे देता हूं TQM का। अगेन एज आई सेड, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर भी डायरेक्टली भी अपन लोग तुम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे TQM का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अभी अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले TQM का। जस्ट एक टच बेस ले लेते हैं, TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बराबर कि नहीं? अब टोटल क्वालिटी लाना है ना, तो क्वालिटी आए उसके पहले क्वालिटी के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। इन डेप्थनेस को समझ रहे हो मेरी बात का? क्या क्वालिटी आए उसके पहले क्वालिटी के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, उसको कहते हैं क्वालिटी कॉस्ट। उसको क्या कहते हैं? क्वालिटी कॉस्ट। सो क्वालिटी, मेरा जो प्रोडक्ट है उसका अगर टॉप क्वालिटी मेरे को चाहिए, देन इन दैट केस मेरा क्वालिटी कॉस्ट के ऊपर अच्छा खासा खर्चा होना चाहिए, तभी मैं यू नो आई कैन से दैट ओके माय प्रोडक्ट हैज द बेस्ट क्वालिटी इन द मार्केट। सो व्हाट आर दोज फोर टाइप ऑफ क्वालिटी कॉस्ट दैट अ कंपनी हैज टू इनकर, अगर तुमको याद हो तो? कौन सा? प्रिवेंशन, अप्रेजल, करेक्ट, इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर। वेरी गुड यार, तुम लोग ने काफी टाइम पहले पढ़ा था फिर भी अच्छा है, तुम लोग का मेमोरी है। वीडियो वालों को कहां पता है कि हमने अभी किया है। चलो, सो प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर, दीज आर द फोर मेजर कॉस्ट दैट आर देयर विच आर कॉल्ड एज क्वालिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? एवरीबॉडी, करेक्ट, इसको कहते हैं क्वालिटी कॉस्ट। गाइस, दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। मई 2018
ओल्ड सिलेबस क्वालिटी कॉस्ट के ऊपर अराउंड 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन, मई 2018 न्यू सिलेबस अराउंड 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन, और क्या चाहिए? समझ रहे हो तुम लोग क्या मतलब, क्या बंदे का लेवल रहेगा क्वालिटी कॉस्ट का कि ओल्ड में भी अच्छा खासा वेटेज दिया, न्यू में भी अच्छा खासा वेटेज दिया। मैं तो गारंटी के साथ बोलता हूं तुम्हारे एग्जाम में ये क्वालिटी कॉस्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आने वाला है, या तो थियरी आएगा या प्रैक्टिकल आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कौन सा? क्वालिटी कॉस्ट। तो चार तरह के क्वालिटी कॉस्ट है, बोलो, प्रिवेंशन, अप्रेजल एंड इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर। अगर मैं प्रिवेंशन एंड अप्रेजल क्वालिटी कॉस्ट इंकर कर लूंगा तो क्या बेटर हो जाएगा मेरे लिए? इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर कम हो जाएगा। अगर मैं प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट के ऊपर स्टार्टिंग में खर्चा कर लेता हूं, देन इन दैट केस इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर के ऊपर जो खर्चा है वो मेरा कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। मैं स्टार्टिंग में सोचूंगा कि अरे यार नहीं नहीं प्रिवेंशन अप्रेजल के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करना है, तो मेरे को बैकफायर करेगा। कैसे? इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट मेरा ज्यादा हो जाएगा। अभी अंडरस्टैंडिंग, ये एक बेसिक चीज ही इसमें जानना है प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने के लिए, और कुछ नहीं, मैंने एग्जांपल दिया हुआ है तुमको, थ्योरी के टाइम पे वापस से देता हूं। सैमसंग नोट 7 बराबर, सो सैमसंग नोट 7 के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, उनका एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट बहुत भारी था। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट यानी जब वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच जाता है और फिर वो फेल हो जाए, बराबर कि नहीं? समझो मैंने नोट 7 लिया, समझो मैंने नोट 7 खरीदा, ठीक है, और वो नोट 7 खरीदने के बाद सपोज उसका बैटरी में प्रॉब्लम आ गया, बैटरी जल गया या ब्लास्ट हो गया, देन क्या वो अपने पास रखूंगा या मैं रिटर्न कर दूंगा? रिटर्न कर दूंगा और फिर उनको बोलूंगा तुम मेरे को वापस से नया दो। तो सैमसंग के लिए तो एक ही प्राइस में दो बार वो खर्चा हो गया, ये वाला तो अभी वो भी कुछ यूज नहीं कर पाएंगे, पर उन्होंने ये बनाने के लिए तो वो पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट इंकर किया है। अब मेरे को रिप्लेस करके नया वाला देंगे तो वो नए वाले के लिए भी जो पूरा खर्चा किया है, समझ रहे हो, एक ही प्राइस में उनको डबल प्रोडक्ट बेचना पड़ा, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। ये होता ही नहीं अगर तुमने बराबर टेस्टिंग कर लिया होता प्रिवेंशन एंड अप्रेजल लेवल पे। ये होता ही नहीं अगर तुमने यहां पे प्रॉपर टेस्टिंग कर लिया था। फोक्सवैगन नाम सुना है? फोक्सवैगन जर्मन कार, उसके ऊपर भी एक ऑफ लेट फ्यूल एमिशन टेस्ट का डिफॉल्ट आया था, ठीक है ना? सो आउटसाइड इंडिया इन यूएस एंड ऑल ऑफ दीज कंट्रीज देर इज अ फ्यूल एमिशन टेस्ट, मतलब आप जो कार बेच रहे हो वो ज्यादा पोल्यूटिंग टू द एनवायरमेंट नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको एक नॉन पोल्यूटिंग इक्विपमेंट अपनी गाड़ी में डालना पड़ता है और जिसका खर्चा लगता है, बट वो नहीं डालोगे तो कार के एफिशिएंसी में फर्क नहीं पड़ेगा, बट सिर्फ वो पोल्यूटिंग एनवायरमेंट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो अभी फोक्सवैगन ने क्या किया, वो इक्विपमेंट नहीं डाला, तो वो क्वालिटी के ऊपर खर्चा नहीं किया, जिसकी वजह से कैन आई से दे हैव फ्लाउटेड द नॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन एनवायरमेंट एंड ऑल ऑफ दैट। वो चीज वो लोग पकड़े गए, उन्होंने 800 से ज्यादा कार्स रिकॉल करनी पड़ी जो भी उन्होंने वो टाइम पे बेची थी। वो रिकॉल करना कितना बड़ा कॉस्ट, रेप्यूटेशनल डैमेज कितना बड़ा कॉस्ट। सैमसंग मैं बोल रहा हूँ नोट 7 को, मेरा जो वो फड़ गया ना उसको रिप्लेस करना वो तो है ही, उसके अलावा उसको रेप्यूटेशनल डैमेज कितना बेयर करना पड़ेगा? एवरीबडी हियर आई विल टेल कि यार सैमसंग के मोबाइल के साथ मेरा ऐसा हुआ था, नोबडी विल परचेज इफ यू आर गोइंग टू परचेज। सो रेप्यूटेशनल डैमेज और ज्यादा हर्ट करता है ये एक्सटर्नल फेलियर एंड इंटरनल फेलियर में, तो ये ना हो उसके लिए अपने को प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट इंकर करते रहना पड़ेगा। अभी अंडरस्टैंडिंग आए? सो जैसा मैंने बोला फोक्सवैगन, वो लोग को सब 800 कार्स रिकॉल करना पड़ा, वापस से वो लोग को वो इक्विपमेंट डालना पड़ा जिसके लिए वो लोग को एक्स्ट्रा खर्चा लगा, प्लस पेनल्टी पे करना पड़ा क्योंकि वो लोग ने वो नॉर्म्स को फ्लाउट किया था, समझ रहे हो, पेनल्टी, और उधर के लॉ का पेनल्टी इज वेरी ह्यूज, तो वो पेनल्टी पे करना पड़ा, सो दैट इज वेयर इट बैकफायर्ड। सो उससे अच्छा यहां पे खर्चा करो ताकि यहां पे कम खर्चा करना पड़े, है कि नहीं? ये सीए फाइनल के स्टूडेंट से रिलेटेड, अगर एग्जाम के पहले बराबर पढ़ाई कर लिया देन इन दैट केस यहां पे थिंग्स विल बी एट ईज, बट अगर यहां पे पढ़ाई नहीं किया, अच्छे प्रोफेसर का नोट्स नहीं लिया, अच्छे प्रोफेसर क्वालिटी प्रोफेसर का खर्चा भी होता है ना ज्यादा, वो सब अगर नहीं किया देन इन दैट केस कहीं अटेम्प्ट लग गया तो 6 महीने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भारी पड़ेगा। बस 1 महीने का 60,000 कमाता है एक फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट आज की तारीख में, मल्टीप्लाई बाय 6, 3,60,000, और वो गरीब प्रोफेसर का
जो क्या है भाई, सोशल सर्विस है पढ़ाना, कमाने का नहीं मिलता है कुछ, क्या बताऊं। चलो एनीवेज, सो फोकस हियर सो दैट यहां पे टेंशन ना रहे, ठीक है। ऑन दैट नोट अपन लोग क्वेश्चन नंबर 6 से चालू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर चैप्टर नंबर 3 इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। सब लोग वो ओपन कर लो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ओके चलो स्टार्ट करें। अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट। अरे सुन रहे हो कि नहीं? वेरी गुड, बहुत फोकस करके करना। ये क्वेश्चन में है सिंपल एज सच, बट दिमाग बहुत लगाने का, मतलब थॉट प्रोसेस एकदम स्ट्रांग होना चाहिए इसमें, तो मजा आएगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मजा आएगा। स्टूडेंट्स कई बार फंबल कर जाते हैं। अगर ये सब मैं खुद से तुमको करने को बोलू ना, तो तुम लोग लॉस्ट हो जाओगे। इट इज इजियर टू सॉल्व अ सम ऑन डिसीजन मेकिंग और स्टैंडर्ड देन सॉल्विंग अ सम ऑन दिस, बिकॉज कुछ टिपिकल चीजें हैं जो तुमको पता होनी चाहिए। है सिंपल, मैनेजेबल, एक बार समझ गया फिर बाद में हो जाएगा, बट थोड़ा फोकस रखते हैं। अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ सिंगल डेटा, द कॉस्ट डेटा पर यूनिट फॉर द ईयर इज प्रिडिक्टेड एज बिलो। डायरेक्ट मटेरियल 35 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 25 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड्स 15 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस 90 पर यूनिट। ठीक है, सो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन दिया है उन्होंने डायरेक्ट कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस का। एवरीबॉडी यस और नो? ठीक है। द कंपनी हैज फोरकास्टेड दैट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर विल बी 28,000 यूनिट्स। क्या फोरकास्ट है कंपनी का? 28,000 यूनिट्स बनाएंगे। हाउएवर टू सेटिस्फाई दिस लेवल ऑफ डिमांड प्रोडक्शन क्वांटिटी विल बी इंक्रीज्ड। फेयर इनफ। देयर आर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सो वो टेंशन नहीं है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करने का टेंशन नहीं है। Following the stock level of material remains unchanged throughout the period. Okay. The following additional information regarding costs and revenue are given. Tum puchoge kya? To aage dekhte hain. 12.5% of the items delivered to customers will be rejected due to specification failure and will require free replacement. The cost of delivering the replacement item is rupees 5 per unit. कुछ समझे क्या? क्या नहीं, सही, एक्सटर्नल फेलियर जैसा हो गया, कस्टमर के पास पहुंच गया, उसके बाद रिजेक्ट हो गया कुछ स्पेसिफिकेशन फेलियर के बाद, बराबर है, तो अब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करने के लिए वापस भेजने का कॉस्ट भी 5 रुपए एक्स्ट्रा है, समझे क्या? टोटल कितना? 12.5 आइटम जो डिलीवर हो रहा है ना कस्टमर को, वो उसके साथ ऐसा हो रहा है। अच्छी बात है या बुरी बात है? बराबर है। नाउ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, आप चाहोगे नहीं कि ये वाला कॉस्ट मैं कम कर दूं? चाहोगे कि नहीं कराओगे? तो कहना ही से ये जो 12.5% इतना ज्यादा एक्सटर्नल फेलियर हो रहा है, उसको मैं कैसे भी रिड्यूस कर दूं? कैसे करूंगा रिड्यूस? कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रिवेंशन या अप्रेजल कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा, ताकि एक्सटर्नल फेलियर ना हो, समझ रहे हो? तो अब वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अपन लोग को करना है कि भाई क्या खर्चा करेंगे जिससे क्या बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स हो सकता है। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, यस और नो? कंटिन्यूइंग। 20% of the items produced will be discovered faulty at the inspection stage before they are delivered to customers. So, देखो, external failure मतलब customer के बाद पहुंच गया, उसके बाद देखा तो, internal failure मतलब product बन गया but customer तक नहीं पहुंचा है। तो product बन गया उसके बाद में भी तुमको failure मिला, तो फिर भी तुमको तो उसको बराबर करना ही पड़ेगा ना? अरे हाँ या ना, वो तुम्हारा internal failure है। 20% तुम्हारा internal failure होता है, अच्छी बात या बुरी बात? क्या नहीं से आप इसको भी रिड्यूस करना चाहोगे? अरे हाँ है ना, ठीक है, चलो कंटिन्यूइंग। सो ये अपने को दो इन्फॉर्मेशन दिया है। थर्ड, 10% ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल विल बी स्क्रैप्ड ड्यू टू डैमेज व्हाइल इन स्टोरेज। ओके, ड्यू टू द अबव टोटल क्वालिटी कॉस्ट फॉर द ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी रूपीज 10,75,556। अंडरलाइन कर लो उसको, कितना दिया है टोटल क्वालिटी कॉस्ट? 10,75,556 is the total quality cost. Continuing. The company is now considering the following proposal. To introduce training programs for the workers,
which the management of the company believes will reduce the level of faulty production to 10%. अच्छा जी, क्या बोला है? ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाओ. तो कहना इसे ये लोग प्रिवेंशन अप्रेजल के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, उससे क्या होगा? फॉल्टी प्रोडक्शन पहले कितना था? 20% से रिड्यूस होके 10% हो जाएगा. समझो एवरीबॉडी? अरे बोलो हाँ या ना. चलो कंटिन्यूइंग. टू अवेल द सर्विसेज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट एट अ चार्जेस ऑफ ₹50,000 विच वुड रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ फॉल्टी आइटम्स डिलीवर टू कस्टमर्स टू 9.5%. तो और भी कोई क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट को हायर करेंगे अपन? मतलब कहना इसे प्रिवेंशन अप्रेजल कॉस्ट इंकर कर रहे हैं अपन? अरे हाँ या ना. वो इंकर करने की वजह से क्या बच जाएगा? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट अभी कितना है? 12.5% ऑफ द मटेरियल्स डिलीवर्ड फॉल्टी निकलता है ना, अब वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? समझू एवरीबॉडी? अरे बोलो बोलो. ओके. रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वालिटी कॉस्ट द कंपनी वुड इंकर इफ इट एक्सेप्ट्स द प्रपोजल. द कॉस्ट्स आर टू बी कैलकुलेटेड using the four recognized quality cost heads. What are the four recognized quality cost heads? Prevention, appraisal, internal failure, external failure. These are the four quality cost. तो देखना है अपने को पहले ये चार cost कितने थे और बाद में ये चार cost कितने हो जाएंगे. Are we clear everybody? Yes or no? चलो continuing. Would you recommend the proposal? Give financial and non-financial reasons. ठीक है, प्राइम ऑफ एसी क्वेश्चन को सब लोग ने रीड कर लिया. एवरीबॉडी जैसे जैसे क्वेश्चन रीड कर रहे थे मैं तुमको समझाते गया, तुम लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया. येस और नो? अगेन आई एम टेलिंग यू, कॉस्टिंग में क्वेश्चन समझे बिना अगर तुम सीधा आंसर बोलते ना सॉल्व ही कर दोगे नहीं चलेगा. ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से. वो क्वेश्चन को प्रैक्टिकली खड़ा कर दो अपने सामने, उसको बाद में लॉजिकली अप्लाई करो. एक मैथमेटिक्स का सम सॉल्व कर रहे हो ऐसा लगेगा, समझ रहे हो? बट वो लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए सम पढ़ते वक्त. तो सम को अपना बना लो, सम के अंदर घुस के यू नो यू हैव टू क्रिएट अ रियल लाइफ सिचुएशन. कि मेरा एक फैक्ट्री है, मेरा जो फैक्ट्री है उधर मैं गुड्स प्रोड्यूस करता हूं, वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं उसमें से 20% मेरे पास रिटर्न आता है. ऐसा ही कुछ है ना, कितना? 12.5% मेरे पास रिटर्न आ जाता है कस्टमर के पास जाने के पास, बराबर. 20% फॉल्टी निकलता है प्रोडक्ट बनने के बाद. तो मेरे को लग रहा है यार ये तो बहुत बड़े कॉस्ट है, इनको कम करना चाहिए. तो मैं इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट हायर करता हूं जिसकी वजह से 20 से 10% हो गया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अभी क्लियर विद द होल सिनेरियो? दैट इज हाउ अ सम हैज टू बी अप्रोच्ड इन कॉस्टिंग, बिकॉज लेंथ ऑफ द सम्स इज वेरी ह्यूज. सो अगर आप समझ के नहीं करोगे ना, देखो छोटे छोटे सम्स होते ना तो टेंशन नहीं है. ये अपना अकाउंट जैसा बैलेंस शीट पीएनएल है तो यू नो क्लूज मिल जाएगा वहां से. यहां पे सम स्टार्ट एंड पूरा इट्स अ लॉन्ग जर्नी दैट यू हैव टू कवर. सो दैट इज वेयर FRSFM विल गिव यू दैट एज. SFM विल नॉट हैव बिग क्वेश्चंस, इट विल हैव स्मॉल 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 क्वेश्चंस. ऑब्वियसली ट्रिकी हो सकते हैं, जितना सम छोटा होगा ना उतना ही ट्रिकी होगा, बिकॉज उतना इन्फॉर्मेशन लैकिंग है. जितना सम बड़ा होगा ना उतना इन्फॉर्मेशन दे दिया है उसने, यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू पिक देम अप. समझ रहे हो? टाइम मैनेजमेंट कॉस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज सम्स आर बिग. कहीं पे भी अटक गए, कहीं पे भी लॉस हो गए, गॉन. एंड तुमको पता है कि वो 3 आवर्स में एनी विच केस थोड़ा टेंशन रहता है, उसमें अगर कहीं पे भी लॉस हो गए तो यू नो आंसर पेपर पे सब प्रॉब्लम आता है. सो दैट शुड नॉट हैपन. यू हैव टू स्टे काम, क्वेश्चन को समझो. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल. एंड देन फिर बाद में एक बार लॉजिकली क्वेश्चन को समझ लिया ना एज ए इंग्लिश लैंग्वेज, फिर ऑटोमेटिकली जब सम सॉल्व करना चालू करोगे ना, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जाएगा, क्योंकि अपन लोग ने सब चीज कॉन्सेप्चुअली वर्कआउट कर लिया. अभी क्लियर एवरीवन? नाउ टेक 2 मिनट्स, जस्ट गो थ्रू द होल क्वेश्चन अगेन, एंड देन व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन ऑन TQM. एवरीबॉडी प्लीज रीड. ओके, सो इनफ टाइम गिवन फॉर यू ऑल टू रीड. अब अपन लोग आ जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर. एज आई सेड बिल्डअप करना पड़ेगा ये सॉल्यूशन को. चलो एक एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मेरे को बताओ. पहले कस्टमर को सेल होता है या पहले प्रोडक्ट का डिजाइनिंग होता है? बराबर, पहले प्रोडक्ट का डिजाइनिंग होता है. प्रोडक्ट एक बार डिजाइन हो गया फिर बाद में अपन लोग को भाई उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी हो जाता है कि हाँ चलो ऐसा प्रोडक्ट अपने को बनाना है, बराबर. फिर प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है. बोलो, जैसे ही प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है मैं वो प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल मंगाना चालू करूंगा.
अरे हाँ या ना, फिर वो रॉ मटेरियल मेरे पास आएगा, फिर वो रॉ मटेरियल मशीन में जाएगा, फिर वो मशीन से आउटपुट आएगा, फिर आउटपुट का टेस्टिंग होगा एंड फाइनली इट इज डिलीवर्ड टू कस्टमर. एवरीबॉडी यस और नो? बराबर की नहीं? सो ये एक सिस्टम अपने को क्लियर है. क्या क्लियर है सिस्टम? कि भाई देखो, पहले मैं उसका डिजाइन कंप्लीट करूंगा. क्या कंप्लीट करूंगा? उसका डिजाइन कंप्लीट करूंगा. डिजाइन के बाद क्या करूंगा? प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. बराबर है? प्रोडक्शन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेज है क्या? नहीं, रॉ मटेरियल एक्विजिशन. रॉ मटेरियल लाऊंगा ना, तभी तो काम कर पाऊंगा, प्रोडक्शन का चालू कर पाऊंगा. यस करेक्ट. क्या नहीं सही? रॉ मटेरियल से मैं इसको मशीनरी में पुटअप करूंगा, मशीनरी से फिर इसका आउटपुट निकलेगा. बराबर? ये आउटपुट का शायद टेस्टिंग होगा एंड फाइनली ये कस्टमर के पास पहुंचेगा. ये प्रोसेस सब लोग को क्लियर है? हाँ या ना? यस yes, ये वाला क्वेश्चन और इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, दोनों में ये चीज का जरूरत लगने वाला है थोड़ा थोड़ा. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में तो और भी इसका यूज लगेगा, फिलहाल अपने को कुछ कुछ एरियाज में इसका जरूरत लगेगा. सो आई जस्ट थॉट कि आपको ये प्रोसेस एक बार बता देता हूं. ठीक है, नाउ वी आर कंटिन्यूइंग. अब बात कुछ ऐसी है कि यहां पे ये जो मैंने पूरा सिस्टम बनाया है, अब उसको क्वालिटी कॉस्ट के नजरिए से देखना है. किसके नजरिए से देखना है? क्वालिटी कॉस्ट के नजरिए से देखना है. तो अब इधर देखो, मेरे को टोटल कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं? उन्होंने क्या बोला है? 28,000. इफ यू रीड द सम प्रॉपरली, उन्होंने क्लियरली बोला है क्या कि 28,000 यूनिट्स मेरे को बनाने हैं? हाँ या ना? उसमें से कितने प्रोडक्ट्स कस्टमर के पहुंचने के बाद फॉल्टी निकल रहे हैं? 12.5% करेक्ट. तो कहना इसे उतना मेरे पास पैर रेडी होना चाहिए कि भाई मेरा 12.5% तो खराब होने वाला है, तो वो कस्टमर मेरे को वापस भेज देगा, तब मैं प्रोडक्शन करना थोड़ी ना चालू करूंगा. तो मैं कहना इसे बफर बना के रखूंगा एक एक्स्ट्रा. अरे हाँ या ना? तो भाई मेरा डिमांड 28,000 का है, बट प्रोडक्शन भी 28,000 का ही करूंगा क्या? तो प्रोडक्शन तो मेरे को ज्यादा करना पड़ेगा. ऐसा क्यों? समझ रहे हो ना? सो दैट वो बफर मेरा क्रिएटेड रहे. अभी अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? सो यहां पे खाली देखते रहो, फोकस करो. सो यहां पे मेरा डिमांड कितने का है? मेरा डिमांड 28,000 यूनिट्स का मेरा डिमांड है. बराबर है? बट क्या प्रोडक्शन भी मैं उतना ही करूंगा? हाँ या ना? बोलो तो प्रोडक्शन में कितना करूंगा? सो कैन आई से मेरा कितना फॉल्टी निकल रहा है? 12.5%. सो कैन आई से ये जो इधर 28,000 आ रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स 87.5% ऑफ माय प्रोडक्ट्स. अरे हाँ या ना? बट उसमें से 12.5 फॉल्टी निकल रहा है, तो कितना फॉल्टी निकल रहा है? अबे समझे क्या? ये नहीं लिखना है तो इधर 100 लिख दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 4,000 फॉल्टी निकल रहा है, मतलब कहना इसे मेरे को टोटल 32,000 बनाना पड़ेगा. अरे हाँ या ना? तो यार ये तो गलत हो गया ना कि भाई टोटल डिमांड खाली 32,000 का, 28,000 का है, पर 32,000 यूनिट्स बनाना पड़ रहा है. ये तो ना इंसाफी है. डिमांड कितना है? डिमांड तुमको पैसे कितने यूनिट्स के लिए मिलने वाले हैं, पर तुमको बनाना कितना पड़ रहा है? गुड और बैड? वाई अननेसेसरीली एक्स्ट्रा मेरे को बनाना पड़ रहा है ये 4,000 यूनिट्स? अरे हाँ या ना? कहने से ये मेरा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो गया. जो 4,000 यूनिट्स मैंने एक्स्ट्रा बनाया, वो मेरा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हुआ ना. अरे बराबर की नहीं? एक्सटर्नल फेलियर की वजह से मेरे को ये 4,000 ज्यादा बना के, मैंने बोला था ना सैमसंग S7 नोट 7 ब्रेकअप हो गया, तो उसको वापस से नया भेजना पड़ेगा. तो ये जो 4,000 है, ये मेरे को नया बना के उसको भेजना पड़ेगा, मतलब ये तो एक्स्ट्रा अननेसेसरी कॉस्ट हो गया एक्सटर्नल फेलियर की वजह से. हाँ या ना? अरे बोलो. तो ये 4,000 बनाने का मेरा कितना खर्चा हुआ है, वो मेरा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में जाएगा? अरे हाँ कि ना? सो ये जो मेरा 4,000 एक्स्ट्रा बना है यहाँ पे, ये जो मेरा 4,000 एक्स्ट्रा बना है मेरा यहाँ पे, ये जो मेरा 4,000 एक्स्ट्रा बना है, इसके लिए मेरे को कितना कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा? 5 रुपए में प्रोडक्ट भी बन जाएगा क्या? प्रोडक्ट बनाना भी पड़ेगा ना एक्स्ट्रा, क्या नहीं से? वो भी तो कॉस्ट आएगा कि नहीं? एवरीबडी अग्रीज और नॉट? देखो उसने 5 बोला इम्प्रॉम्प्टू, विच आई फील के शायद फर्स्ट इंस्टेंस में सोच के कोई भी यही बोलेगा कि भाई कस्टमर रिटर्न कॉस्ट वो 5 रुपीज एक्स्ट्रा है, बट वो बनाना भी तो पड़ेगा ना एक्स्ट्रा, वो फुक्कट का प्रोडक्शन कॉस्ट भी तो जा रहा है मेरा. अरे समझे कि नहीं? सो मेरा कितना है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट? क्या क्या मेरे को प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या यूज करना पड़ता है? डायरेक्ट मटेरियल. बराबर कि नहीं? डायरेक्ट मटेरियल कितना?
तो ये इधर मेरा खर्चा हो गया, प्लस लेबर कितना 25, ये मेरा खर्चा हो गया, प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स कितना 15, ये मेरा खर्चा हो गया, प्लस रिटर्न का 5 रुपीज मत भूलना, तो ये वाले जो 4000 है इनके ऊपर रिटर्न भी मेरे को करना पड़ेगा, हक की ना, कितना 5 रुपया मेरे को इनके ऊपर रिटर्न का कॉस्ट लग जाएगा। अब ये अंडरस्टैंडिंग, सो 4000 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स, कितना हो जाएगा 35 प्लस 25 60 80 हो गया, तुम लोग ने कैलकुलेट कर लिया, कितना हो गया 3,20,000। कहना इसे ये मैं इसको एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? अरे हाँ या ना, यस बराबर है, बोलो बराबर है कि नहीं। अब ये कम करने के लिए मैं कुछ खर्चे करने के लिए रेडी हूं, बराबर है। कौन सा पॉइंट नंबर दिख रहा है तुमको उधर, देखो उधर पॉइंट नंबर 1 में तो ये 12.5 का बोला है। अब इसको मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम के साथ लाइफ में सोल्यूशन भी ढूंढ लेने का, बराबर है। यू हैव टू बी अ ऑलवेज लव, ऑलवेज ट्राई टू बी अ सोल्यूशन गिवर, नॉट अ प्रॉब्लम क्रिएटर। तो प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, अब इसको मैनेज कैसे करना है वो देखते हैं। तो मैनेज करने के लिए उन्होंने देखो, कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग द फॉलोइंग प्रपोजल, दिखा, कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग द फॉलोइंग प्रपोजल, अरे दिखा कि नहीं। तो वो जो है ना, कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग द फॉलोइंग प्रपोजल, वो वाले का पॉइंट नंबर 1 या 2 कौन सा इसके लिए लागू होगा, कैसे से पॉइंट नंबर 2 इसके लिए लागू होगा, प्लीज ध्यान देना, एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तुम अगर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट हो या न्यू सिलेबस स्टूडेंट हो, दिस क्वेश्चन दैट वी आर सॉल्विंग इज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। चलो, सो पॉइंट नंबर 1 या 2 कौन सा कंसिडर करेंगे, 2 क्या है वो, टू अवेल द सर्विसेज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट एट एन एनुअल चार्जेस ऑफ रूपीज 50,000 विच वुड रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ फॉल्टी आइटम्स डिलीवर्ड टू कस्टमर टू 9.5%। यार अच्छी बात हुई या बुरी बात, अच्छी बात हो गई ना, 12.5 से अब रिड्यूस हो गया, कितना हो गया 9.5, समझ रहे हो। तो अब ये तो है क्या ना, इसे बिफोर डॉक्टर बत्रा, बिफोर और फिर बाद में आफ्टर, या मेंटोस आम जिंदगी, ये मेंटोस जिंदगी, ओके बहुत ही बेकार, ओके ओके ठीक है, तुम्हारी नींद तो जग गई इतना मुझे वो कर रहे हो। चलो इधर, सो दिस इज बिफोर ना, अरे बोलो ना, और ये क्या हो जाएगा आफ्टर, ये है आम जिंदगी, अब आ जाता है मेंटोस जिंदगी। तो देखते हैं यहां पे भी डिमांड तो वही है 28,000 यूनिट्स, अरे हाँ या ना, बट सामने मेरा प्रोडक्शन का क्या सीन है, अब मेरे को कितना, पहले देखो 12.5 का बफर रखना पड़ता था, अब वो बफर रिड्यूस हो गया है, कितना 9.5, सो कहना इसे इधर आ जाएगा 90.5, अरे हाँ या ना, अरे बोलो, सो कहना इसे दिस विल बिकम, कहना इसे दिस विल बिकम 9.5। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आता है, या इसको 100 की तरह लेना है वैसा भी ले लो, तुमको जैसा ठीक लगे, बोलो बोलो, टेल टेल, 2 ओके 2939 एंड यहां पे 3939 बाबा, हा कि ना, चलो कहना इससे अच्छा हो गया, देखो, अरे आया ना, कैसे अच्छा हो गया, पहले मेरा कितना एक्स्ट्रा नेचुरली बनाना पड़ता था, अब मेरे को कितना बनाना पड़ रहा है, समझ रहे हो क्या, 2939, तो अब मेरे को ये 2939 के ऊपर ये 80 का खर्चा करना पड़ेगा ना यार, अब ये 2939 के ऊपर 80 का खर्चा करना पड़ेगा, तो कितना हुआ, बोलो बोलो, टेल टेल, सॉरी 2,35,120, समझियो कि नहीं समझियो, यस, सो ये 3,20,000 था, अब कितना हो गया 2,35,120, सो कैन आई से देयर इज अ रिडक्शन इन कॉस्ट, अरे हाँ या ना, वो करने के लिए अपने को देखो क्या खर्चा करना पड़ रहा है, क्या खोटा यार, क्या खोटा, तो क्या, हाँ कर रहे कर रहे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो यहाँ पे 3,20,000 का एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हुआ है, अब जो रिड्यूस हो गया 2,35,120 हो गया, तो कितना सेविंग्स हुआ, 84,000 अप्रोक्सीमेटली 84,000, बट वो 84,000 के सेविंग के लिए कुछ खर्चा करना पड़ा, कितना, तो भी नेट नेट 34,000 तो बच गया ना यार, गुड और बैड, शुड वी गो अहेड और नॉट,
अभी अंडरस्टैंडिंग बेस समझ में आया, क्या कॉन्सेप्ट है समझ में आया, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. सो यहाँ पे वी विल से दैट ये 235,120 है, ये 320 है. सो बिकॉज ऑफ एम्प्लॉइंग वॉट एवर, कौन किसको रखा है, क्वालिटी कॉस्ट कंसल्टेंट को रखा है ना. सो ये क्वालिटी कॉस्ट कंसल्टेंट को रखने की वजह से 320 का कॉस्ट, दादा कॉपी हो रहा है पुराना, 320 का कॉस्ट 235,120 पे आ गया कि नहीं यार ये. अरे बोलो, तो अब इसकी वजह से मेरा सेविंग्स कितना हो गया, 84,880. बट ये सेविंग लाने के लिए मुझे कुछ कॉस्ट इंकर करना पड़ा, बोलो ना कितना, 50,000 का, समझियो क्या. तो सामने मेरे लिए क्या हो गया, नेट बेनिफिट कितना हो गया मेरे को, समझे क्या, 34,880. दिस इज व्हाट द होल कॉन्सेप्ट इज. अब आइडियली कैसे इसको प्रॉपरली ना टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, टोटल क्वालिटी कॉस्ट, बिफोर टोटल क्वालिटी कॉस्ट, आफ्टर आएगा वो सब. एक बार मेरे को चाहिए था कि तुमको फंडामेंटली अपन क्या कर रहे हैं ना वो चीज समझ जाए. अब आगे यू नो थिंग्स विल फॉलो, नॉट टू वरी. आर वी क्लियर विद दिस? सो एज आई सेड, स्टूडेंट्स थोड़ा इसको इंटरप्रेट करने में अटेम्प्ट्स, बोलते ना सिचुएशनल एरर्स हो जाते हैं. आई होप तुम लोग से ये चीज नहीं होगी, तुम लोग सब लोग क्लियर हो ये जो मैंने पढ़ाया है इसके साथ. एवरीबॉडी यस और नो? अब सेम वे इंटरनल फेलियर कॉस्ट हुए, उनको भी एनालाइज करना पड़ेगा, उनमें भी ऐसा ही कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा. अरे हाँ या ना? एंड देन फाइनली अपना कंक्लूजन आएगा. फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप लोग पहले ये लिख लीजिए प्लीज, गिव अ हेडिंग. क्या है क्वेश्चन, कौन सा है, नाम क्या है क्वेश्चन, तेरा नाम क्या है, क्या नाम है, क्वेश्चन का नाम ही नहीं है. चलो ना ठीक है, ये क्वेश्चन एज आई सेड ओल्ड पीएम में भी है, ये सेम क्वेश्चन न्यू मॉड्यूल में भी है. तो ओल्ड सिलेबस के पीएम में है ये क्वेश्चन, न्यू सिलेबस के मॉड्यूल में है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. राइट डाउन स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट इन एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट इन एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. आइडियली ओवरऑल बेस पे आता है, बट एज आई सेड आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए दिस इज व्हाट आई हैव डन, स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट फॉर इन एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. एंड आप लोग ये पूरा कॉपी कर लेंगे, वो जो डिजाइन से लेकर कस्टमर है ना वो भी कॉपी कर लो, क्योंकि रिवाइज तुम लोग 6 महीने बाद करोगे, तब तक भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ. तो इसके लिए प्लीज ये कॉपी कर लेंगे एवरीवन. एवरीबॉडी समझ में आ गया, प्लीज ऑल योर्स. ओके सो नाउ शी हैज अ क्वेश्चन, नाम हर्षिनी हैज अ क्वेश्चन, पूरे यूट्यूब में फेमस होने वाली है तुम. सो हर्षिनी हैज अ क्वेश्चन दैट सर यहां पे अगर आप क्वेश्चन का लाइन को बराबर रीड करोगे ना, तो उन्होंने कहा है 12.5% ऑफ द यूनिट्स डिलीवर्ड टू कस्टमर्स आर फॉल्टी. अरे हा या ना? सो शी हैज अ क्वेश्चन के सर यहां पे आपने 12.5% तो वो ग्रॉस अप करके लिया है, बट आइडियली तो जो 28,000 कस्टमर को डिलीवर हुआ है उसका 12.5% खराब हो रहा है ना. तो अगर आप देखोगे कैलकुलेट करोगे तो 28,000 उसका 12.5% कितना आता है, 3,500. तो आपको 3,500 ही बनाना चाहिए एक्स्ट्रा. तो क्या होगा, देखो 28,000 डिलीवर करोगे उसमें से 12.5% मतलब 3,500 का खराब निकलेगा. वो तुमको बोलेंगे हमारा प्रोडक्ट खराब है, तुम वो 3,500 वापस से वो लोग को भेज दोगे. अरे हाँ या ना? सो आइडियली 3,500 ही एक्स्ट्रा बनना चाहिए था एज पर हर्षिनी. विच प्राइम ऑफिसियल रीडिंग एट द लाइन लुक्स एब्सोल्यूटली करेक्ट, यस और नो? फिर भी मैंने 4,000 लिया है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ. FAQ, तो अब मैं बताता हूं हाउ डज दिस थॉट प्रोसेस वर्क. सो 3,500 शी इज राइट, 3,500 ही खराब निकलेगा. वो जो 3,500 में एक्स्ट्रा बनाऊंगा ना वापस से, उसमें भी 12.5% फॉल्टी निकलेगा. ऐसा कहा लिखेगी ये 3,500 एकदम परफेक्ट ही निकलेगा? ये तो एक जनरल फिनोमेनन ही अपने फैक्ट्री का, अपने मशीन का, कि अपन जितना प्रोडक्शन करते हैं उसका 12.5% फॉल्टी निकलता है. तो ये जो 3,500 डिलीवर होगा ना, वो 3,500 का वापस से 12.5% करो, बोलो तो कहना इसे 437 तुमको और बनाना पड़ेगा. समझते गए क्या? देखो तुम 28,000 बनाओगे और डिलीवर टू द कस्टमर,
कस्टमर को डिलीवर किया, इसमें से 12.5% यार खराब निकला, तो कहना इसे 3,500 खराब निकला, तो ये 3,500 में एक्स्ट्रा बना दूंगा, तो 28,000 बनाया, फिर 3,500 एक्स्ट्रा बनाया, फिर बाद में इसके ऊपर और 12.5% खराब निकलेगा, मैं अभी एक्स्ट्रा जो 3,500 बनाऊंगा वो भी तो खराब निकलेगा ना, उसमें से भी तो 12.5% यार, तो ये 12.5% जो खराब निकलेगा इसका 12.5 कितना 437.5, फिर चैंपियन हो यार तुम लोग तो। सो ये जो खराब निकलेगा इसका वापस से 12.5% का वो होगा, अच्छा ये जो बनाऊंगा कितना 54. तुम लोग समझे ना, तो 3,500 प्लस 437.5 प्लस 54.69 प्लस इसका 12.5 करोगे ना, इट विल ऑल टोटल आउट टू 500, 3,500 प्लस दिस विल टोटल आउट टू 4,000. अबे समझियो क्या मैम, आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर्ड. अरे ये बनाते गए, यू डोंट हैव टू स्टॉप, तो तू तो पता चल गया ना ये, तो अब तू पहले से ये बनाएगी और 4,000 ही एक्स्ट्रा बनाएगी. बराबर ना, अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो यहां पे तू 4,000 ही एक्स्ट्रा बनाएगी, ये तो खाली उसका कॉन्सेप्ट को आंसर करना था, दैट इज वेयर मैं बोला कि ये ऐसे 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 होता गया, तो अब इसको एडअप करती जाएगी, दिस विल टोटल आउट टू 4,000. चलो क्लियर, एक सेकंड, तुम लोग का ये लिख के हो गया क्या, फटाफट लिख लो यार जिसका भी बाकी है, क्विकली एवरीवन. दादा ओके, सो फर्स्ट पार्ट डन एंड डस्टेड, समझ में आ गया सबको एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट का थॉट प्रोसेस. नाउ थिंग्स विल बिकम इजियर, थिंग्स विल बिकम क्विक, बिकॉज एक बार वो प्रोसेस सेट हो जाता है ना, तो ये बिफोर आफ्टर ये ऐसा ही रहेगा, अब देखते जाते हैं क्या क्या कॉस्ट इंकर होते जाते हैं, एंड फाइनली इसको अपन लोग अक्यूमुलेट कर लेंगे. ये सब नंबर्स तुम लोग ने लिखे हुए हैं, बराबर है. सो मेरे को प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा, 32,000 का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जिसमें से 4,000 फॉल्टी निकलेगा, 28,000 नेट जो कस्टमर को पहुंचना चाहिए वो पहुंचेगा. अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, यस और नो? ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं, मैं आगे का पार्ट पढ़ लेता हूं, जस्ट पे अटेंशन. सो नेक्स्ट, 20% ऑफ द आइटम्स डिलीवर्ड विल बी डिस्क, हाँ अभी ये वाले सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ, द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना उसके सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ क्विकली. ओके लेट्स रीड, 20% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड विल बी डिस्कवर्ड फॉल्टी at the inspection stage before they are delivered to the customers. क्या किया जाए इसका बोलो, तो मतलब क्या है, देखो अभी सिचुएशन समझते हैं, अपना फैक्ट्री है, प्रोडक्ट बन के अपने पास रेडी होके आ गया, बराबर है. अब ये प्रोडक्ट अपन कस्टमर को डिलीवर करे उसके लिए अपन, उसके पहले अपन एक इंस्पेक्शन कर लेते हैं कि भाई कुछ फॉल्टी निकले ना निकले. वो इंस्पेक्शन करते वक्त, सब प्रोडक्शन हुआ उसके इंस्पेक्शन करते वक्त 20% आइटम्स आर डिस्कवर्ड फॉल्टी, क्या ये फॉल्टी अपन लोग कस्टमर को देंगे क्या? तो कहना इसे ये अपने लेवल पे, यहाँ पे अपन लोग सब चेक करना बराबर वापस से इसको बनाना चालू कर देंगे. अरे हाँ या ना. सो अपन लोग ने टोटल प्रोडक्शन कितना किया है, 32,000 का प्रोडक्शन किया, क्योंकि कस्टमर का अपने को आइडिया है कि उधर फॉल्टी निकलने वाला है. अब ये 32,000 ग्रॉस अप हो जाएगा 20% के साथ, और एक्चुअल प्रोडक्शन उतना होगा जिसमें से 20% फॉल्टी निकलेगा, जिसमें से 12.5% फॉल्टी कस्टमर का निकलेगा, और नेट 28,000 कस्टमर के हाथ में जो अच्छा वाला प्रोडक्ट है वो पहुंचेगा. कुछ लोगों को तो ओवरहेड्स, ध्यान दो, समझे क्या तुम लोग? अभी तेरा पॉइंट धीरे धीरे आंसर होते जाएगा. 28,000 नेट कस्टमर को चाहिए, बट उसको 28,000 चाहिए, उसके लिए मुझे 32,000, 32,000 बनाना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? अरे बोलो, 12.5% फॉल्टी है, बराबर है, 12.5% फॉल्टी है सर, तो इसके लिए वो उधर एक प्रॉब्लम हो गया, तो अपन लोग 32,000 बना देंगे. ये 32,000 भी पूरा का पूरा अच्छा आने वाला है क्या? इसमें भी 20% फॉल्टी है, तो बैकवर्ड वर्किंग करके उतना एक्स्ट्रा बना देते हैं ना, ताकि जो फॉल्टी निकले उसको साइड पे रख देंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे 32,000 यार ऐसा. अभी अंडरस्टैंडिंग, अभी अंडरस्टैंडिंग. सो आइडियली एक्चुअल प्रोडक्शन होगा कितने का वो देखो. सो 28 से गाड़ी 32,000 पे पहुंची, अरे आया ना,
अब गाड़ी यहाँ पे और आगे बढ़ेगी। सो अपन बोलेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन होना कितना चाहिए, तो ये देखो मैं बताता हूँ तुमको, मैं बोलूंगा देखो 32,000 का प्रोडक्शन करना है मुझे आइडियली, बट ये पूरा का पूरा अच्छा बनेगा क्या? दिस रिप्रेजेंट्स बराबर है, तो कहने से 20% एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, तो ये 100% आ गया ना यार, तो बनाना कितना पड़ेगा? 40,000 आता है यहाँ पे, अभी अंडरस्टैंडिंग, कहना इसे 8,000 बनाना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा, कहना इसे ये इंटरनल फेलियर हो गया। अभी तक देखो एक्सटर्नल फेलियर कब आता है, जब तक कस्टमर के पास पहुंचता है तब, उसके बाद जो भी इशू आया वो एक्सटर्नल फेलियर, पर कस्टमर के पास नहीं पहुंचा है, प्रोडक्ट पूरा बन चुका है, वो क्या होगा? इंटरनल फेलियर कॉस्ट। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइज, यस और नो? यस। तो अभी यहाँ पे ये जो मेरा 40,000 है एक्चुअल प्रोडक्शन, ये 40,000 का होगा, जिसमें से 20% खराब निकलेगा, बराबर 8,000 बार। अभी 8,000 फुकट का बनाया अपन लोग ने, अरे हाँ या ना, कहने से ये जो 8,000 एक्स्ट्रा बनाया वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट हो जाएगा ना मेरा। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइज, अब मैंने कितना बनाया है ये एक्स्ट्रा 8,000, ये 8,000 के लिए कितना कॉस्ट हो गया भाई? बोलो टेल अगेन, ये बनाने के लिए 8,000 पूरा यूनिट्स तो बना ही गया ना, क्योंकि फाइनल इंस्पेक्शन के टाइम पे अपन लोग चेक कर रहे हैं, तो क्या क्या कॉस्ट आएगा? 35 + 25 + 15 + 5 नहीं आएगा, तुम लोग बोलने जा रहे थे, मैंने रोक दिया है ना, सच्ची सच्ची बोलो सर, अभी क्लियर एवरीवन? प्लस फाइव नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज कस्टमर के पास पहुंची है, रिटर्न चार्जेस थे, यहाँ पे अपन लोग ने पहले ही वो प्री हैंड पता चल गया, अभी क्लियर? सो कैन आई से इंटरनल फेलियर कॉस्ट कितना हो गया यार? 8,000 इंटू ये कितना है? 75, सो 8,000 इंटू 75 वर्क्स आउट टू ₹6,00,000, समझू एवरीबॉडी? अरे हाँ या ना, बट अपन लोग अब कुछ और क्वालिटी कॉस्ट इंकर करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये कम हो जाएगा, बोलो। सो अब ये कितना हो जाएगा? 20,000, ये कितना था? 28,000, 30,000, अरे यहां पे गाड़ी 38,000 से कहां पहुंची? 939 यूनिट्स, बराबर कि नहीं? अब एक्चुअल प्रोडक्शन कितना होगा देखो, 30,939 मेरे को बनाना है, अरे हाँ या ना, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? मैंने तुमको पूछा 90%, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? 90%, तो मेरे को 10% फुकट का एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, तो 100% रिप्रेजेंट्स व्हाट? 34,377, और ये कितना आया? बोलो टेल, ये कितना आया बेटा? वो बोलना 3438, समझियो क्या? कैन आई से, अब जो मेरे को पहले 8,000 एक्स्ट्रा बनाने पड़ते थे, अब कितने बनाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा खाली? समझ रहे हो, पहले जो 8,000 पे एक्स्ट्रा 75 का कॉस्ट लगता था, अब वो 3438 पे लगेगा। कैन आई से यूज रिडक्शन इन कॉस्ट? अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, सो ये जो मेरा 3438 है, ये 3438 यूनिट्स इनटू ये कितना है? 75 वर्क्स आउट टू हाउ मच? बोलो टेल रुपीज 257,850, समझू कि नहीं एवरीबॉडी? अरे बोलो, यस, क्लियर हो गया सब लोग को? सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो कहना ही सही, यहाँ पे भी मैंने कुछ सेविंग्स इंकर किया है, बट सामने मैंने कुछ कॉस्ट एक्स्ट्रा किया है इंकर, समझे क्या? वो देखेंगे बाद में, वो सब पूरा एक साथ, पहले का कॉस्ट, बिफोर कॉस्ट, आफ्टर कॉस्ट, सब एडलेस करके वो सब देख लेंगे। फिलहाल इतना समझ में आया, प्लीज कॉपी। इसमें मैं वो सेविंग्स और वो सब जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं, तब मैंने लिखा था क्योंकि तुमको वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था वैसा। बाकी यहां पे अभी इधर वी विल होल्ड ऑन, लास्ट में पूरा एक स्टेटमेंट बना लेंगे, बिफोर आफ्टर, ओके प्लीज। तेरा ले हम लेता।
Okay, so level 2 of the question done. Level 2 of the question clear. Chalo. So abhi dekho. 28,000 se 32 pe pahunche. 32 se 40,000 pe pahunch gaye. Ye journey aap log sabne mere sath cover ki hai. Kaisi rahi aapki journey? Bahut badhiya. 28,000 se 930,939 ki journey. Fir yahan se अरे बोलो 34,377 यूनिट्स बराबर है 343.77 क्यों बोलते हैं 34,377 यूनिट्स बराबर है. क्या पिक्चर अभी बाकी है कि नहीं? बाकी है. लेट्स सी. देखो थर्ड पॉइंट देखो 10% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल विल बी स्क्रैप्ड ड्यू टू डैमेज व्हाइल इन स्टोरेज. ओके सो वो है ड्यू टू अबाउट टोटल क्वालिटी कॉस्ट फॉर द ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी. ठीक है अभी मैं क्या बोल रहा हूँ ड्यू टू अबाउट 10% ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल विल बी स्क्रैप ड्यू टू स्टोरेज. कई बार होता है ना स्टोरेज में रखते रखते समझो कोई मटेरियल है उसको जंग लग गया. अरे हो सकता है कि नहीं बराबर है तो कहने से उसको मेरे को स्क्रैप करना पड़ेगा. अब उससे रिलेटेड कुछ इंप्रूवमेंट वो लोग ने बोला है क्या? देखो ना वो फर्स्ट इंप्रूवमेंट इंप्लीमेंट हो गया सेकेंड इंप्रूवमेंट इंप्लीमेंट हो गया थर्ड वाले में कुछ इंप्रूवमेंट बोला है क्या? बट देर इज अ बाय डिफॉल्ट इंप्रूवमेंट. तुम पूछोगे सर कैफे बराबर है ना. देखो जो प्रोडक्शन था वो मंगाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है. अब प्रोडक्शन कम हो गया रॉ मटेरियल भी कम हो जाएगा ना तो उसका इंपैक्ट इधर भी आएगा कि नहीं. सो उसको भी एनालाइज करना पड़ेगा कि नहीं. एवरीबॉडी यस और नो? ठीक है सो चलो आओ देखते हैं. सो अब इफ नथिंग इज गिवन देखो उन्होंने बोला नहीं है एक आउटपुट. ये आउटपुट है 40,000 यूनिट्स क्या है और रॉ मटेरियल क्या होता है बराबर है 40,000 यूनिट्स आउटपुट है. रॉ मटेरियल क्या होता है इनपुट. तो अपने को तो बोला नहीं है ना कि एक रॉ मटेरियल के लिए कितना इनपुट लग रहा है. बोला है क्या क्वेश्चन में? देखो जरा कुछ बोला है क्या? नहीं. सो कुछ नहीं बोला है तो आईसी हैज ऑल्सो अज्यूम्ड इट टू बी वन. एक आउटपुट के लिए एक रॉ मटेरियल. तो यहां पे अब मेरे को बताओ मेरे को 40,000 यूनिट्स बनाने का है एज आउटपुट तो जरा बताना तो इनपुट कितना लगेगा 40,000 यूनिट्स का. हाँ कि ना? तो क्या अब मैं मेरे सप्लायर को कॉल करके बोलू 40,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल भेज दे कि उससे ज्यादा मंगवाऊ? ज्यादा मंगवाऊ ना. क्यों? 10% से स्क्रैप होने वाला है. समझू कि नहीं? सो कैन आई से मेरे को इनपुट चाहिदा 40,000 यूनिट्स का बट दिस रिप्रेजेंट 90% मेरे को तो नेट 40,000 चाहिए यार. अरे हाँ या ना. दिस रिप्रेजेंट 90% सो 10% कितना 100% कितना जरा बताओ. बोलो बोलो टेल टेल. 444 अभी अंडरस्टैंडिंग 44,444 यूनिट्स मेरे को मंगवाना पड़ेगा. अरे हाँ या ना एवरीबॉडी यस. एंड अब यही वीजा भी मैं अगर यहां पे देखूं तो मेरे को आउटपुट 34,377 का चाहिदा. इसके लिए इनपुट मेरे को कितना लगेगा 34,377 का बराबर कि नहीं? अब उन्होंने कुछ बोला है इसमें रिडक्शन हुआ है? बोलो हाँ या ना. नहीं तो कहना इसे ये मेरा ज्योका त्यों इधर ही वो हो जाएगा. अरे ये जो 10% खराब होने वाला है उसमें तो कोई रिडक्शन नहीं है ना. सो यहां पे मैं बोलूंगा देखो मेरे को 34,377 का इनपुट चाहिए बट दिस रिप्रेजेंट 90% तो 10% कितना तो मेरे को टोटल कितना मंगवाना पड़ेगा बताइए जरा फटाफट. दिस 10% रिप्रेजेंट व्हाट 3820 एंड टोटल. अरे बता तो क्यों नहीं. सॉरी 38197 यूनिट्स. आर वी अंडरस्टैंडिंग? कैन आई से यहां पे भी रिडक्शन है? अरे हाँ या ना. पहले मेरे को फुकट का 4444 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाना पड़ता था. अरे एक्स्ट्रा मंगाना पड़ता था मल्टीप्लाई बाय 35 खाली रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा मंगाना ये लेवल पे बराबर कि नहीं? सो इनटू 35 कितना हो गया बोलो 1,55,540 समझियो क्या? अरे हाँ या ना. सो कहना इसे ये मेरा इंटरनल फेलियर कॉस्ट अब रिड्यूस हो गया है. तो अब रिड्यूस होकर कितना हो गया ये इंटरनल फेलियर कॉस्ट? तो मैं बोलूंगा देखो भाई अब मेरे को खाली एक्स्ट्रा कितना मंगाना पड़ रहा है 3820 यूनिट्स. हाँ कि ना? इंटू 35 कितना 1133
700. अभी अंडरस्टैंडिंग, सॉरी ये कितना 15 lakhs कैसे होगा रे, वो यू है, 4 नहीं है. ओके अभी क्लियर एवरीबॉडी, यस और नो? सो ये मेरा इंटरनल, देखो पहला वाला जो था ना वो था एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, फिर जो सेकंड बनाया इंटरनल फेलियर कॉस्ट, थर्ड ये जो बना रहे ये भी इंटरनल फेलियर कॉस्ट, फैक्ट्री के अंदर रखे रखे हुआ है ना खराब, ये भी क्या आ जाएगा इंटरनल फेलियर कॉस्ट. बनाओ थर्ड इंटरनल फेलियर कॉस्ट, प्लीज कॉपी ऑल योर्स. ये समझियो कि नहीं एवरीबॉडी? कोई क्वेश्चन प्लीज आस्क. बोलिए सर. नो नो नो, वो रॉ मटेरियल है ये, तू आउटपुट को इनपुट के साथ क्यों कंपेयर कर रहा है? चलो कॉपी. ए समझ में आ रहा है ना सबको यहां तक? हाँ भाई. सो क्या नहीं से अभी देखो ये क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे ठीक है ना. सो नाउ डू यू फील कंटेंट सेटिस्फाइड? के देखो अभी 20 मिनट पहले तक अपन यहां थे. नाउ द होल सम इज डन एंड डस्टेड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. क्या अपना ये पार्ट, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन का फर्स्ट वाला पार्ट हो गया है? क्या सेकंड वाला पार्ट हो गया है? क्या थर्ड वाला पार्ट हो गया है? क्या उसके नीचे फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला? यस और नो? एंड एवरीबॉडी यस क्लियर विद इट? बराबर की नहीं? सो अब देखो अपने को क्या बनाना है. अब अपन बना रहे हैं एक स्टेटमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी कॉस्ट. क्या बना रहे अपन? स्टेटमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी कॉस्ट. बराबर है? क्वालिटी कॉस्ट देखते हैं पहले. क्या मैं पहले कोई प्रिवेंशन या अप्रेजल कॉस्ट इंकर करता था क्या? अरे हाँ या ना? क्या मैं पहले कुछ प्रिवेंशन या अप्रेजल कॉस्ट इंकर करता था? नहीं. सो इधर आ जाएगा डैश डैश. क्या उसकी वजह से मेरा लास्ट टाइम कुछ इंटरनल फेलियर कॉस्ट हुआ? अरे दो बार हुआ, दो बार. अरे आया ना, अभी जो अपन लोग ने सेकंड और थर्ड वाला वर्किंग किया वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट से रिलेटेड ही है ना. अरे बोलो, क्या आपके पास नंबर रेडी है? तो प्लीज आप मुझे बताएंगे क्या क्या है वो नंबर. इंटरनल फेलियर कॉस्ट 6 lakhs प्लस, वेरी गुड. 1,55,540. समझियो क्या ये वाला क्या किया? तो ये क्या आ जाएगा इधर 755,540. अभी क्लियर? फिर क्या आएगा? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. मेरे को बताओ एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या होगा? 3,20,000. अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? टोटल कितना हो गया? टोटल क्वालिटी कॉस्ट कितना हो गया? बोलो बोलो टेल टेल. 10,75,540. अभी अंडरस्टैंडिंग? अरे भाई लोग और उनकी बहन लोग ऑलरेडी क्वेश्चन में ये चीज दे दिया है, ऑलरेडी क्वेश्चन में ये चीज दे दिया है. देखो देखो जरा, वो छुट्टा माफा 4 रुपए 16 रुपए ले लेना मेरे से. ड्यू टू अबाव टोटल क्वालिटी, देखो इधर सेंटर में दिख रहा है, ड्यू टू अबाव टोटल क्वालिटी कॉस्ट फॉर द ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 10,75,540, 5,56 या whatever. मतलब समझ रहे हो तुम लोग? नाउ वी हैव इंकर्ड सम इंटर प्रिवेंशन कॉस्ट. अरे हाँ या ना? कौन सा प्रिवेंशन कॉस्ट इंकर किया है मैंने? देखो 50,000 का, और मैंने एक अप्रेजल कॉस्ट भी इंकर किया है 4,50,000 का. उल्टा बोला गया. देखो ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने को करना पड़ेगा, बराबर है? सो ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपन लोग बोल देंगे प्रिवेंशन कॉस्ट, कि भाई कुछ प्रिवेंशन, कोई भी चीज खराब हो उसके पहले उसे उसको अच्छा ट्रेनिंग दे दो. और फिर क्या बोला है? क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट हायर कर लेंगे. सो बोलते हैं ना डिजाइनिंग स्टेज के बाद और आगे कैसे प्रोडक्शन करना है, प्रोसेस करना है, उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट आ जाएगा विच विल हैव अ अप्रेजल कॉस्ट. सो प्रिवेंशन कॉस्ट मेरा हो जाएगा 4,50,000. अरे आया ना सामने, अप्रेजल कॉस्ट हो जाएगा मेरा 50,000. क्या इसकी वजह से मेरा इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट रिड्यूस हुआ है? जरा बताइए कितना. तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट कितना हो जाएगा? 257,850 प्लस 130,3700. टोटल वर्क्स आउट टू हाउ मच? सॉरी 391,550. समझियो क्या? तुम देख रहे हो क्या यूज रिडक्शन है? ऑलमोस्ट हाफ हो गया यार, ऑलमोस्ट हाफ हो गया. बराबर कि नहीं?
और यहां पे 320 का कितना हो गया 235 120। समझियो कि नहीं, ये टोटल क्वालिटी कॉस्ट कितना हो जाएगा? बोलो बोलो टेल टेल। 11,26,670। समझियो। सो कैन आई से ये मेरा कॉस्ट इधर बढ़ गया है। सो अगर मैं देखो उधर उन्होंने क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या दिया है, देखो recommend whether to accept this or not based on financial and non-financial reasons. अब financial reasons के बेस पे मैं बोलूंगा नहीं यार, ये implement करने के बाद मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए मैं रेमेडी बोलता हूँ ना, ये देखो मेन जो है ना, सी यहाँ पे रिडक्शन दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे रिडक्शन मेरे को दिख रहा है। अगर तुमको याद हो तो यहाँ से यहाँ पे ये दोनों का लिंक था ना, तो इसके लिए ये अप्रेजल कॉस्ट 50,000 का बराबर है। खाली एक चीज मुझे ज्यादा हिट कर रही है, क्या कैन आई से 4,50,000 ज्यादा है, सो प्रोबेबली आई शुड निगोशिएट देयर। वहां पे मेरे को वो 4,50,000 को थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए, और वो नहीं भी हुआ तो फिर भी देखो उन्होंने क्या बोला है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रीजन। कैन आई से यहां से क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, जो मेरे 12.5% कस्टमर्स नाराज थे अब 9.5% कस्टमर्स ही नाराज होंगे, तो वो 3% कम हो गए। ऑलमोस्ट 25% हुआ नॉट हैप्पी विद मी कस्टमर्स विल नाउ बी हैप्पी विद मी, वो आगे और 10 जन को बोलेंगे। सो कैन आई से रेप्यूटेशनली आई मे अर्न मोर देन लुकिंग एट दिस स्मॉल फिगर। सो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आई विल से नो, बट नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एनी टाइम ओवर पावर इन दिस केस, एंड उसको मैं यस बोल दूंगा। अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो अब अपन लोग क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी कॉस्ट, एंड ये एग्जामिनर को प्रॉपरली प्रेजेंट कर देंगे, फिर रिकमेंडेशन अपन साथ में लिखेंगे। प्लीज ऑल योर्स। तो फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे अपन रिकमेंडेशन ऑन फाइनेंशियल बेसिस। देर इज अ नेगेटिव नेट बेनिफिट ऑफ रुपीज कितना, 1126,670 माइनस 1075,540। यस टेल मी 51,130। However, 51,130. However, based on non-financial reasons. We should consider the related costs. And go ahead with prevention and appraisal costs. As it results into improvement in quality and better customer satisfaction.
बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन. तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है. अरे ये मैंने क्या बोल दिया. एनीवे, सो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है. नॉन फाइनेंशियल बेसिस पे बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है. सो भले ही थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, बट वी शुड गो अहेड विद दैट. आर वी थोरली क्लियर विद दिस क्वेश्चन एवरीवन? बोलो, एनी क्वेश्चन एनीवन? क्लियर है? चलो, ऑन दिस नोट द होल सम इज ओवर. थैंक यू सो मच. इन केस ऑफ एनी क्वेरीज टू यू गाइज, गेट बैक टू मी. थैंक यू.